सभी पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। दो एक विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो अभी जो हम लोग कोविड महामारी कोरोना से और अब तो काफ़ी निजात पाए हैं, राहत पाए हैं, लेकिन साथ ही जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे, टूरिज्म थे, टूरिज्म विभाग था, ऐसे उनको काफ़ी कठिनाइयाँ, आर्थिक दृष्टि से दिक्कतें आई हैं। ऐसे लोगों के लिए बिजली पानी वो भी एक समस्या रही है, तो उसको लेकर के हमने उनको कुछ सुविधाएं जो माफ़ की जा सकती थी वो किया है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसा जो मैंने बताया, और इसको लेकर सरकार ने वर्ष 2021 में लोगों को स्वरोजगार व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से राहत सहायता देने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके द्वारा लोगों को DBT के माध्यम से कैश अनुदान, ग्रांट, राहत सहायता, सब्सिडी, रियायत, ऐसे माफी, छूट, सहयोग राशि, आदान वस्तु सामग्री, स्थापना सुविधाओं का विकास इत्यादि के रूप में विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाएं प्रदान की गई, जिस पर वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा 1298,2021,002,21-22 ऐसे जो मैं इतने करोड़ की धनराशि वितरित हमने की है, जो तय किया अभी मानक में, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, और जिसमें लगभग 2,000 करोड़ राहत सहायता प्रदान ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सभी बिंदुओं को छुआ हमने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, अपना विद्यालय शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, वित्त, पर्यटन, ऐसे ऊर्जा, परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, ग्राम विकास, युवा कल्याण, ऐसे इन विभागों में कृषि, शहरी विकास, पंचायती राज, पेयजल, ऐसे किराए, पुलिस, संस्कृति, सूचना एवं लोक संपर्क, वन, सिंचाई, ऐसे 2,000 करोड़ के लगभग सहायता हमने दी है, और इसमें अलग अलग मद दिए गए हैं, वो मैं आपको ये बंटवा दें, है ना, दे दें। दूसरा, बड़ी संख्या में नियुक्तियां, मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि हर विभाग में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं, और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी, इस को मैं आपके सामने रखता हूँ। विगत एक वर्ष से कोरोना महामारी कारण विश्व के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें विद्यालय शिक्षा 5,499 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2,918 पद, वन 2,560 पद, ऊर्जा 2,021 पद, चिकित्सा शिक्षा 1,968 पद,
पुलिस 1530 पद, राजस्व 790, शहरी विकास 872, उच्च शिक्षा 698, सिंचाई में 786 पद, पशुपालन में 300 पद, कृषि में 470 पद, ग्राम्य विकास में 474 पद, लोक निर्माण विभाग में 312 पद, पंचायती राज में 353 पद, उद्यान में 314 पद, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण 46 पद, पेयजल 100 पद, समाज कल्याण 103 पद, जनजाति कल्याण 158 पद, 55 पद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 82 पद, ऐसे 22,340 ऐसी संख्या हमारी बनती है। और साथ ही कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए अपना लैपटॉप टैबलेट ये हमने किया है। तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियाँ देने जा रहे हैं और साथ ही कोविड महामारी से जिस तरह प्रभाव पड़ा, मैंने कहा कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी, ऐसे उन लोगों को हमने राहत दी है, छूट दी है, टैक्स माफ़ किया है, उनके कर्मचारियों, वर्करों के, होटल्स के जो रजिस्टर्ड हैं उनको हमने एक मानदेय के रूप में भी परतों से ऐसा देने का काम किया है। यह हमने किया और साथ ही कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तिकाएँ ये भी हमने किया। इसके लिए तो माननीय मंत्री जी भी हमने पिछले दिन ही एक जियो जारी कर दिया था और इन सब का जियो जारी हो चुका है। ये मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर दो तीन दिन बाहर रहने के कारण ये मैं कर नहीं पाई, घोषणा पहले करनी थी मुझे और वो आज मैंने आपके सामने रखा है, किया है। बाकी प्रतियाँ आपको सबको मिल गई होंगी, ये सारा जो है। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।